मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो? यही तो दिक्कत है मैडम। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। यही दिक्कत है, आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो। चुप हो जाओ। सड़क पर नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म जी। कंट्रोल उदय जी 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 जी, नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। हीरोइन बनने आई थी गंगू, कमबख्त पूरा का पूरा सिनेमा बन गई। ट्रेन से जाएगा कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो बंद, ये बदतमीज़, ये गाली, ये स्तर, ये दिखा दिया, यही संस्कार है आप? ये यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। अरे hey, I'll come look at this. वो उसके जिम्मे है, ये देश संविधान से चलेगा या ठोकर हाथ से चलेगा, गोली बंदूक से चलेगा, गोड से की नाजायज औलादे इसी तरह में मत बोलिए और अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। जो कार को बाहर निकालिए हिंदू महासभा, आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये लाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई गली नुक्कड़ का आपका लोगों ने यही कहा, निकालिए इनको, तो कार को बाहर निकालिए। ये देश का मूड बदल रहा है, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी सरकार पे पिछले 10 साल से जनता भरोसा दिखा रही है, आगे भी भरोसा दिखाएगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और कर्नाटक में जो हो तो लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहती है, एक राज्य हारे बाकी राज्य जीत जाएंगे, और 2024 में भी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें उनके नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि नहीं कि देश को ऐसा ही नेतृत्व, कर्नाटक से देश का भविष्य तय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है यार, ये एक चावल देख के पका है उससे पूरा अंदाजा लगता है कि पूरा पका, जब पूरी ताकत लगा दी, बजरंग बली का नाम ले लिया, टीपू सुल्तान को विलेन तक बना दिया, और कोई काम ऐसा था जो छोड़ा नहीं, उसके बावजूद अगर हार हुई है तो ये ना माना जाए कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा, नरेंद्र मोदी का जलवा कुछ कम हो रहा है। चावल वाला उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया जा सकता कि चावल का एक दाना देखकर पूरा चावल बना है कि नहीं, ये बता, केवल एक राज्य से पूरे देश का मूड नहीं बनाया जा सकता। और तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। और रही बात भाजपा की कि मुस्लिम कार्ड हिंदू कार्ड खेला, ऐसा नहीं है, भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो किसी एक धर्म को प्रश्रय देते हैं, किसी और का विरोध करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात तो सही है, बजरंग बली का नारा लगाते हैं तो क्या है? बजरंग बली धार्मिक नारा थोड़ी, मतलब बजरंग बली सांप्रदायिक नारा थोड़ी है, वो तो एक आराधना का विषय है, जय बजरंग बली, बजरंग दली एक ही है, जय सिया राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली, अल्लाह अकबर, धार्मिक नारे है, कोई सियासी नारे नहीं है, कोई भी हिंदू है। गजब बेइज्जती है। सिया राम तो ठीक है, जय सिया राम भी ठीक है, ये जय श्री राम जब आप कहते हो तो इसमें आक्रामकता नजर आती है, नहीं आती है? अब जी श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है, सीता मैया होती है, हर श्री का मतलब नारी शक्ति से ही होता है। जय श्री राम ये नारा 1990 के बाद आया, अभिवादन हो रहा है, उसके पहले कोई नहीं कहता था। श्री नारायण कब से है? श्री नारायण तो बहुत पुराना है। तेरी भी जली ना। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। चल झूठा। कंट्रोल और मैं गो सेवा। ये भगवान क्या जुलुम है, उल्टा हो गया मामला पूरा। मोहम्मद फैज खान सुन के आप सोच रहे हैं भाई ये तो मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ पर मैं निष्पक्ष बात करता हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास,
कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हम अमर वीर सकते भगवान। ओ भाई कुछ कह रहे हो? मरना जा रहे हो मारो भोसड़ी के।